ऑस्ट्रेलिया निकोसिया टाइगर्स वर्सेस एमडॉक्स के बीच होने वाले आज के पहले ईसीएस टी10 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, कौन सी टीम में जीत सकती है, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, इसे मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप पास जाने का, तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 68,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना आगे आने वाले मैचेस, जैसे आईपीएल मैच हो गया, 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस हो गए, या फिर मान वो सारे मैचेस मैं आपको यहीं पर कवर करके दूंगा। मान लो कि अगर मैं कोई मैच की यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा और अगर मुझे वो भी मैच कवर करना होगा अपने फाइनल मतलब पैसे लगा रहूँगा, तो अपनी जो भी फाइनल टीम होगी ना वो मैं आखिरी के 5 मिनट स्क्रीनशॉट के जरिए अपनी फाइनल टीम आपको उस मैच की भी भेज दूंगा। यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने लगा। फ्री की चीज को बिल्कुल ही मिस मत करना। जहां पर ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं, आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल पर आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक का क्लिक करोगे ना, आप सीधे सीधे हमारे चैनल के पास पहुंच जाओगे। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इस ब्लू लिंक का क्लिक करोगे या फिर टच करोगे ना, आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से फ्री में अभी कभी ज्वाइन हो सकते हो और आगे वाले मैचेस का फायदा उठा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि निकोसिया टाइगर्स की टीम को जीतने के 95% करीब चांसेस रहने लगे, क्योंकि निकोसिया टाइगर्स और एमडॉक्स की टीम ने आमने सामने जो अपने आखिरी के 9 मैचेस खेले हैं ना, आखिरी के 5 सालों में 9 के 9 मैचेस निकोसिया टाइगर्स की टीम जीत करके रही है। बहुत कम बार यह देखने को मिलता है कि कोई भी टीम दूसरी टीम को बहुत बुरी तरीके से लाइन से हर मैच हराए। हालांकि इस सीजन में निकोसिया टाइगर्स ने इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन 2 मैचेस फिर भी इस सीजन में खेला, दो के दोनों मैचेस निकोसिया टाइगर्स की टीम ही जीती हुई है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि निकोसिया टाइगर्स के प्लेयर्स को हम पूरा फोकस करने वाले हैं। ये जो मैच होने वाला है ना, ये आपको लिमासोल के स्टेडियम को देखने को मिलने वाला है, जहां का एवरेज स्कोर आपको आखिरी के 5 मैचेस में 98 रन के करीब का देखने को मिला हुआ है। शुरू में लो स्कोरिंग गेम, फिर बीच में हाई स्कोरिंग गेम, और आखिरी के मैचेस में फिर से कोई ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पिच में कोई खराबी नहीं है, यहाँ पे प्लेयर बल्लेबाज कैसा कर रहे हैं ये चीज के बारे में, न्यूट्रल स्टेडियम है, यहाँ पे रन बनेंगे कि नहीं ये टीमों के ऊपर। निकोसिया टाइगर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करिए तो 110 के करीब रन बनाएगी, एमडॉक्स की टीम अगर पहले बल्लेबाजी करिए तो मुझे लगता है 90 के करीब आपको स्कोर बना करके दे पाएगी। सबसे पहले जिसान महमूद, भले इसका नाम विकेट कीपरों में लेकिन काम आपको अरुणोदस वाला करके देने वाला है। इस सीजन में 1 नहीं 2 नहीं 4 5 बार ऐसा हुआ जहां इसने 2-2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा है। यहां पर आप देखोगे लिमासोल कोलेंडर्स की टीम के खिलाफ इसने बॉलिंग कर रखा है, जहां पर इसने 2 ओवर बॉलिंग पूरा किया, 1 विकेट भी इसको मिला हुआ था। इससे पहले जब इसने पहला मैच खेला था वहां पे भी 2 ओवर बॉलिंग किया तो 2 विकेट मिला था, यह भी मैच लिमासोल कोलेंडर्स के खिलाफ था। इसके अलावा एक और मैच ऐसा किया हुआ बीच में जहां पर इसने बॉलिंग कर रखा है, देख सकते हो यहाँ पे भी इसने 1 ओवर बॉलिंग कर रखा है, और ये मैच है नापा रॉयल किंग्स के खिलाफ, वहां पे बल्लेबाजी में रन बनाया हुआ है। बाकी 1-2 मैच और भी गए हुए, जैसे कि इस मैच में भी इसने 2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा है, ये मैच आपको एमडॉक्स के खिलाफ ही देखने को मिला हुआ है। प्लेयर काफी शानदार है, अगर बल्लेबाजी में चल गया तो सिर्फ 10 बॉल खेल लिया आपको 70 करीब पॉइंट दिला करके जा सकता है, तो प्लेयर काफी शानदार है। अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो, मिनी जीएल की टीम बना रहे हो, तो ऐसा कैप इसी आप इसको लेकर के चल सकते हो। पी देओल को भी लेकर के चलूंगा, पीतराज देओल, जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, इस समय ऐसा विकेट कीपर खेल रहा है, आपको कैचेस पकड़ के भी दे रहा है, आखिरी मैच भी एक कैच पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कैच एक रन आउट भी करके दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखोगे कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे पहले एक मैच ऐसा गया हुआ है ना जहाँ पे 32 पॉइंट्स ला करके आ रहा है ऐसा विकेट कीपर, यहाँ पे भी एक कैच मिला, यहाँ पे भी 24 पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो कई बार ऐसा विकेट कीपर भी आपको काफी पॉइंट्स ला करके जा रहा हो, कई बार आपको बल्लेबाजी में भी काफी तेजी से रन बना करके दे सकता है, ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी में रन नहीं बना रहा है। निकोसिया टाइगर्स यानी कि इसी टीम के खिलाफ देख सकते हो 94 पॉइंट्स ला करके आ रहा है बल्लेबाजी से, जहां पे बल्लेबाज में 33 बॉल पे 61 रन बना करके आया हुआ, तो प्लेयर काफी शानदार है, इसको भी लेकर के चलने वाला हूँ। ए बाम को बिल्कुल भी लेकर के नहीं चलना, बल्लेबाज में 7 नंबर करीब आएगा। एस कमरियो पहले भी आपको बल्लेबाजी में 4 पे आएगा, बिल्कुल भी अच्छा प्लेयर नहीं है। बल्लेबाजी ऑप्शन है जी सागवान,
जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा, प्लस आपको कई सारे ऐसे मैचेस के हुआ जहाँ पे इसने दो दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा है। यहाँ पे भी दो ओवर बॉलिंग करके इसको दो विकेट मिले हुए हैं, यहाँ पे भी दो ओवर बॉलिंग करके इसको दो विकेट मिले हुए हैं। तो बॉलिंग आपको कई बार काफ़ी अच्छी करके दे रहा है, अब बल्लेबाजी में भी आपको रन बना करके देगा। एज अ वी सी आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा इफ्तिकार जमन। अगर मैं यहाँ से निकोसिया टाइगर के यहाँ से आई जमन की बात करूँ ना, तो बल्लेबाजी में भी आपको एज अ ओपनर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करके देने वाला इफ्तिकार जमन, जो कि आपको आखिरी मैच में भी इसी टीम के खिलाफ एमडॉक्स के खिलाफ दो ओवर बॉलिंग करके इसको दो विकेट में मिले और बल्लेबाजी में भी रन बना के दिया हुआ है। तो प्लेयर इतना शानदार इसी टीम के खिलाफ आखिरी मैच में अच्छा भी करके आया हुआ, लेकर के जरूर चलूंगा। मजूमदेर जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है, भले ही आखिरी मैच में एमडॉक्स की टीम के खिलाफ दो ओवर बॉलिंग पूरा करने के बाद भी फ्लॉप हुआ है, लेकिन जब भी ये बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज़ कर रहे हैं, जैसे एवरेज की टीम के खिलाफ काफ़ी अच्छा कर दिया, यहाँ पे नापा रॉयल किंग्स के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा कर दिया, इससे पहले यहाँ पे लिमासोल कलेंडर्स के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा कर दिया, एवरेज के खिलाफ यहाँ भी अच्छा करके आया हुआ है, और इन दोनों मैचेस में भी अच्छा करके आया हुआ है। तो प्लेयर अच्छा है, कभी भी आपको फॉर्म में वापस से आ सकता है, लेकर के चलने वाला एच थगानी। भले इसका नाम बल्लेबाजों में, लेकिन मेनली जो है बॉलर्स वाला काम करके देगा। बल्लेबाजी में 6 रन हो पाएगा आपको, 10 बॉल पे 15 रन ऐसे ही बना करके दे पाएगा, लेकिन मेनली बॉलर है, बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा करेगा। अगर एमडॉक्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको एच थगानी और यहाँ से आर मजूमदेर में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चलना है, क्योंकि मजूमदेर भी कई बार फ्लॉप हो जा रहे हैं, तो ये दोनों में से एक प्लेयर को ही आपको लेकर के चलना है, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और आर हसन बल्लेबाजी में भी तीसरे चौथे पे आ जा रहा है, प्लस दो ओवर बॉलिंग से भी पूरा कर रहा है, आखिरी के चार के चारों मैचेस में चला है, कभी बल्लेबाजी से तो कभी बॉलिंग से, हर मैच में आपको परफॉर्मेंस करके दे ही दे रहा है। तो ऐसा क्या भी से एक अच्छा प्लेयर रहेगा। वाई महमूद शुरू के मैचेस में बल्लेबाजी में तीसरे नंबर पर आ रहा था, फोर्थ नंबर पर आ रहा था, लेकिन आखिरी के मैचेस में देखो यहाँ भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, यहाँ भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, यहाँ भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, इससे पहले यहाँ भी बल्लेबाजी से फ्लॉप गया, यानी कि आखिरी के चारों मैचेस में बल्लेबाजी से फ्लॉप ही हुआ है। रीजन है ना इसका, बल्लेबाजी में 6 नंबर पर आ रही, इतना नीचे आ रहा है कि बल्लेबाजी आ ही नहीं रही है, और जब आ भी रही है तो फ्लॉप ही हो जा रहा है। बॉलिंग से दो ओवर पूरा कर रहा है, बॉलिंग से ओपनिंग तक कर रहा है, शुरू के ओवर्स में बॉलिंग कर रहा है, पहला तीसरा ओवर, प्लेयर अच्छा लेकर के चलने वाला। वी कंदूरी को भी लेकर के चलूंगा, जो कि आखिरी मैच भले ही बॉलिंग नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पे भी इसने एक ओवर बॉलिंग कर रखा है, यहाँ पे दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रखा है, इससे पहले बॉलिंग से भी अच्छा करके आया हुआ निकोसिया टाइगर्स की टीम के खिलाफ भी, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज से आपको बैकअप दे करके जा सकता है, बल्लेबाजी नहीं तो बॉलिंग कहीं ना कहीं से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। वी सावंत आखिरी मैच में बल्लेबाजी में भले ही तीसरे पे आ गया, लेकिन मेनली जो है बल्लेबाजी में पांचवें या फिर 6 ओवर करीब आएगा, अब बॉलिंग इस समय कर नहीं रहा है, आखिरी मैच में फ्लॉप हुआ, उससे पहले में भी लगभग फ्लॉप ही आप मान सकते हो। यहाँ पे बल्लेबाजी में रन बना करके दिया हुआ इसी टीम के खिलाफ, इससे पहले यहाँ पे बॉलिंग से अच्छा किया, यहाँ पर भी बॉलिंग से अच्छा करके दिया हुआ है, बाकी बॉलिंग इस समय मुझे लग नहीं रहा है कि ये करने वाला है, तो इसके बाद रिस्क लेकर के नहीं चलूंगा। बॉलिंग अपसर तिया मिनोल निकोसिया टाइगर्स की टीम का जीतने के चांस ज्यादा, इनकी टीम का सबसे मेन बॉलर है, दो ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, जरूरी प्लेयर रहेगा। प्रिंस राय जो कि एमडॉक्स की टीम का सबसे मेन बॉलर है, दो ओवर बॉलिंग ये भी पूरा करके देने वाला है। जे हसन जो कि निकोसिया टाइगर्स की टीम पर से कप्तानी कर रहा है, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, इससे पहले यहाँ पर हर मैच में बॉलिंग करके आ रहा था, यहाँ पर भी बॉलिंग किया हुआ, यहाँ पर भी बॉलिंग कर रखा है, यानी कि बॉलिंग तो अब कर ही नहीं रहा है। बल्लेबाजी में कई बार यहाँ पे तीसरे नंबर पे आकर के एमडॉक्स की टीम के खिलाफ इसी टीम के खिलाफ रन बना करके दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप ही हो रहा है, क्योंकि मेनली जो है बॉलर है, मेनली जो है ना बॉलर है, तो अगर पाँच मैच में बल्लेबाजी आएगी तो किसी एक में चलेगा, बाकी बच्चों तीन चार मैचेस में फ्लॉप ही जाएगा या फिर 10-15 रन मैक्सिमम बना करके दे पाएगा। तो इसके बाद मैं सोच ये रहा हूँ कि मैं यहाँ से ए नाथ को लेकर के चलूँगा, अगर एमडॉक्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो मैं ए नाथ को लूँगा, वहीं अगर पहले बल्लेबाजी कर रही होगी तो मैं जे हसन के ऊपर रिस्क लेकर के जाऊँगा, क्योंकि ए नाथ जो है बॉलिंग से आपको दो ओवर पूरा भले ही करके दे, लेकिन एमडॉक्स की टीम के मैच हारने के चांसेस है, तो मैं इसको लेकर के शायद से ना भी चलूँ। ए राणे को लेकर के चलना नहीं है, इस समय से कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, जे हसन को लेकर के चल सकते हो, ए नाथ को ना लेकर के, अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाजी से रन बनाएगा। वी सावंत का भी सेम वही, अगर आपको लग रहा है कि बल्लेबाजी से रन बनाएगा आप लेकर के चल सकते हो, आपको लग रहा है कि खानदूरी अगर बल्लेबाजी से फ्लॉप हो गया ना, सॉरी अगर इसको बॉलिंग ना मिले ना, तो बल्लेबाजी से आपको रन बना करके नहीं दे पाएगा, पूरा मेनली जो बॉलर ही है। और सेम वही भाई महमूद का भी मेनली जो पूरा बॉलर ही है, ये दोनों प्लेयर में से किसी को भी आपको लग रहा है कि बॉलिंग नहीं मिलने वाली है तो समझ जाना कि ये दोनों फ्लॉप होंगे, जो भी लग रहा है कि बॉलिंग नहीं करेगा। भाई वी खंदूरी ने आखिरी मैच से बॉलिंग नहीं किया, तो वहाँ पे हो सकते हैं कि बॉलिंग ना मिले, तो वहाँ पे आप एच थगानी के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, या आपको काफ़ी अच्छा मिनी जीएल से लेकर के मेगा जीएल में पैसा कमाने में मदद करके दे सकता है। कैप में लेकर के चलने वाला जिसका नाम है सीधे सीधे यहाँ से आर हसन को, वीसी लेकर के चल रहा हूँ जी सागवान को, बाकी इसके अलावा आपके लिए एक ही अच्छा प्लेयर रहेगा जिसका नाम है जिसान महमूद।
एज अ वीसी आप इसके ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, प्लेयर काफी शानदार है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइन अप आने के तुम्हें से कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम सर को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको जिस भी आप वीडियो को देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे सबसे ऊपर मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट सेक्शन मार्क्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक का क्लिक करोगे ना या फिर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम सर को पहुंचोगे। नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में आप वहां से ज्वाइन हो जाना। हजारों में लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, अभी ज्वाइन हो जाना। आने वाले मैचेस को मैं यहीं पे कवर करने वाला हूं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।